लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 4 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक युवक का जो शव है पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिसकी उम्र करीब 25 से 28 साल के बीच में रही होगी। ये युवक कहां का रहने वाला है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला जरूर है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि FSL की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और इस शव को पेड़ से नीचे जरूर उतारा जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसी जगह पर, जी हाँ इसी जगह पर ये जो शव है वो कहीं ना कहीं लटकता हुआ जरूर मिल रहा है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। आप ये देख सकते हैं कि FSL की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और इस शव को पेड़ से उतारने की कोशिश जो है इनके द्वारा जरूर की जाएगी। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। करनाल के सेक्टर 4 की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। करनाल के सेक्टर 4 ट्रक यूनियन के समीप की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। कपड़ों की अगर हम बात करें, नीले और सफ़ेद धारी रंग की जो है इस युवक ने टी शर्ट डाली हुई है और एक लोअर डाला हुआ है और पाँव में काफ़ी घाव है, जी हाँ। और लाल रंग की जो है इस युवक ने चप्पल डाली हुई है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि शव को नीचे उतारा जा रहा है, जी हाँ शव को नीचे उतारा जा रहा है और काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। हरियाणा के करनाल ज़िले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल के सेक्टर 4 की ये तस्वीरें हैं, जहां युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और इस शव को नीचे उतारने की पूरी कोशिश जरूर की जा रही है। तो फिलहाल जो है शव को नीचे उतारने की पूरी कोशिश पुलिस द्वारा जरूर की जा रही है। कुछ एक लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। आप ये देख सकते हैं शिनाख्त करवाने के लिए कुछ एक लोगों को जो है आप ये देख सकते हैं कि आगे भेज दिया गया है, ताकि इस युवक की शिनाख्त हो सके। पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। ये युवक कौन है, कहाँ का है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। हरियाणा के करनाल ज़िले की करनाल के सेक्टर 4 ट्रक यूनियन के समीप की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक युवक की डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली है। तो शव को पेड़ से उतार लिया गया है, जी हाँ शव को पेड़ से उतार लिया गया है और इस व्यक्ति की पहचान हो पाती है या नहीं, काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। तो शव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित कर सकती हैं। आपने देखा है कभी इनको? क्या क्या काम करता था ये? ढाबे पे रोटी राटी बनाता था। ढाबे पे रोटी बनाता था। क्या क्या नाम है इसका, कुछ नाम? नाम तो नहीं सर पता। ये कब देखा था आपने ढाबे पे रोटी बनाते हुए? 4-5 महीने पहले। 6 महीने हो गए। अच्छा, तो 4-5 महीने पहले और इसी जगह पर आप ये देख सकते हैं, इसी जगह पर युवक ने फांसी लगाई थी। जी हाँ युवक ने फांसी लगाई थी। तो जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है और शव की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शिनाख्त करने की जो एक कोशिश है पुलिस द्वारा, वो जरूर यहाँ पर देखी जा रही है। इसी बीच में सिटी थाना SHO हैं कमलदीप जी। सर क्या कुछ जानकारी मिली आपको? सर क्या लावारिस है, डेड बॉडी थी और ये कोई राजू नाम का लड़का बताया, यहाँ चाय का कोखा है उस पर काम कर रहा था चाय वाले के पास, और ये यहाँ गाड़ियाँ थी उनके अंदर जाके इसने फांसी ली है और अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। नाम का पता लगा है, राजू नाम है। इसके पैर में पहले से चोट लगी हुई थी 2-3 महीने से और दवाई ले ली, इस पर कीड़े पड़े हुए तो वो देखें इनके परिवार वालों को बुला के और फिर पता करें इसने कैसे फांसी ली। तो कोई आधार कार्ड वगैरह, कोई पहचान? नहीं, ID वगैरह कुछ नहीं मिली इसकी। एक चाय वाले ने बताया मेरे पास काम करता था। कहाँ का रहने वाला बताया जा रहा है? ये UP का बता रहे हैं अभी। नाम राजू है जी, भगवानपुर का। हाँ राजू नाम बताया, राजू नाम। अब इसके फाइनल तौर पर जब शिनाख्त होगी तब तुझे पता लगेगा। अब आगे बॉडी को कहाँ ले जाया जाएगा? बॉडी को डेड हाउस लेके जाएंगे, रखेंगे इसको 72 घंटों के लिए इंतजार। 72 घंटों का इंतजार करेंगे, इनके परिवार वाले आ जाएंगे तब तक वो इसका पोस्टमार्टम निकालेंगे। तो चाय वाले जिनके पास सर काम करते थे उन्होंने बताया कुछ परेशान चल रहे थे? नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं बताई, परेशान चल रहा था। तो कमल तो मालिक से पूछताछ हुई है? मालिक से पूछेंगे एक बार जी।
और इसके घर वालों को बुलाएंगे पहले, तो वो बताएंगे भाई क्या प्रॉब्लम थी इसको। उम्र लगभग सर 35 से 40 के आसपास, 35 के आसपास लग रही है। तो कमलदीप है, सिटी थाना SHO, जानकारी दी है कि राजू जो है इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। जी राजू इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है जो कि यूपी का है। फिलहाल डेड बॉडी को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में शिनाख्त के लिए जरूर रखा जाएगा। परिवार वालों का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद ही परिवार वालों को शव सौंपा जाएगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं। करनाल सेक्टर 4 ट्रक यूनियन के समीप जो है इसी जगह पर जो है इस युवक का शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला था। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़।